कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 इसका पांचवा प्रश्न अभी हम करने जा रहे हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, इस प्रकार से था। जो हम बाकी टेबल को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो प्रश्न में हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं मैं इस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप देखिए यह 50 से 52, लेकिन जो अगला वर्ग है वो 52 से शुरू ना होकर 53 से हो रहा है। 53 से 55, अगला वर्ग 55 से शुरू ना होकर 56 से हो रहा है। इसका मतलब ये एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ग है, ठीक है। हमें इसको कॉन्टिन्यूस वर्ग अंतराल बनाना होता है। तो वो कैसे बनता है, इसका एक ही तरीका है। इस सभी वर्गों की जो निचली सीमाएं हैं इनमें से 0.5 हम कम कर देंगे। जैसे यह 50 तो यह आ जाएगा 49.5, और जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 बढ़ा देंगे तो यह बन जाएगा 52.5। ये 53 है, इसमें से 0.5 घटा देंगे तो यह बन गया 52.5। ये 55 में 0.5 बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 55.5। इसका फायदा ये होगा, ये 49.5 से 52.5 है, ये 52.5 पर पिछला ग्रुप खत्म हुआ, पिछला वर्ग खत्म हुआ, अगला वर्ग 52.5 से ही शुरू हो रहा है जिससे ये कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 55.5 से 58.5। इसमें 0.5 घटा दो, पहले मैं सारे 0.5 घटा रहा हूं, यह 61 तो ये बन गया। अभी इसमें 0.5 बढ़ा दो और इसमें भी 0.5 बढ़ा दो, तो इससे जो है हमारा वर्ग अंतराल जो है वो कंटिन्यूस हो गया, इसमें अब कोई गैप नहीं। सबसे पहला काम हमें यही करना था। आइए अब हम इसकी इसमें पेटियों की संख्या लिखते हैं। इसको मैं लिख देता हूं वर्ग अंतराल। अब है पेटियों की संख्या जो कि होता है एफ आई, तो ये है 15, 110, 135, 115 और 25, ठीक है। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह जो कि होते हैं एक्स आई। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इसके और इसके बीच वाला। तो यदि हमें नहीं समझ आ रहा कि इसके और इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस करेंगे और फिर दो से भाग करेंगे। तो आइए देखिए, यह है 49.5 और यह है 52.5, इनको प्लस करो। 5 और 5 10 हासिल आया 1, 9 1 10 और 2 12 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 5 10, तो ये बन गया 102.0। इसको जब हम 2 से भाग कर दें तो हमारे पास आ गया 51। इसी प्रकार से 52.5 और 55.5, इनको जब हम प्लस करते हैं और 55.5 तो ये बन जाएगा 5 और 5 10 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 5 8, 5 और 5 10 108। इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो आ गया 54। बाकियों को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल आ रहा है 3 का 51 फिर 54, 3-3 का डिफरेंस तो ये होगा 57, यानी कि 55.5 और 58.5 के बिल्कुल बीच में होगा 57, उसके बाद 60 और उसके बाद 63। अब यदि आप देखें एफ आई ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं 15, 110, 135, 115 और 25, और यहाँ भी जो वर्ग चिन्ह है ये भी बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं, तो इनको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कल्पित मान लेते हैं, एक कल्पित मान लेते हैं, कल्पित मान। ये इन्हीं संख्याओं में से कुछ लेना होता है, तो मैं इसमें से बीच वाली एक संख्या ले लेता हूँ, बीच वाली संख्या है 57, तो ए हो गया, यानी कल्पित मान हो गया 57। अब हमें यहाँ पे निकालना है डी आई,
जो कि होता है जो हमारे वर्ग चिन्ह आए हैं एक्स आई उसमें से कल्पित मान ए को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। यह 51, इसमें से 57 को माइनस कर देंगे तो यह आएगा माइनस 6। 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो यह आएगा माइनस 3। 57 में से 57 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। 60 में से 57 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। 63 में से 57 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। तो देखा बच्चों, इसका फायदा क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही थी एफ आई से गुणा करने के लिए, अब हमारे पास छोटी संख्या आ रही है 6, -6, -3, 0, 3 और 6। तो आइए अब हमें आगे निकालना है एफ आई गुना डी आई। एफ आई है 15, इसको 6 से गुना कर दो, 15 6 90, साथ में माइनस इंटू प्लस माइनस, 110 को 3 से गुना कर दो, 330 माइनस इंटू प्लस माइनस, 135 को 0 से गुना कर दो 0, 115 को 3 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 345, 25 को 6 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 150। अब हमें पेटियों की संख्या को प्लस करना है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 आंसर आया 2, 1 और 2, 3, 11 और 3, 14 और 13, 27, 27 और 11, 38, 38 और 2, 40, इसका मतलब 400 पेटियां हैं। और FIDI को प्लस करना है तो इसमें देखिए दो संख्याएं माइनस की हैं, दो संख्याएं प्लस की हैं, माइनस वालियों को अलग से प्लस कर लो, ये आ गया 420, साथ में साइन माइनस का, प्लस वालियों को अलग से प्लस कर लो, 345 में 150 जोड़ दो तो ये आ गया 495 और ये आएगा प्लस, ठीक है। ये दोनों माइनस की थी तो इनको जोड़ में आया माइनस, ये दोनों प्लस की थी तो इनको जोड़ आया प्लस में। अब ये माइनस प्लस माइनस, 495 में से 420 निकाल दिया तो ये आया 75, साइन बड़ी रकम का यानी कि प्लस 75। अब हम निकालते हैं माध्य, माध्य निकालने का हमारा तरीका माध्य बराबर समेशन एफ आई गुना डी आई बटा समेशन एफ आई, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने यहां पर कल्पित मान माइनस किया था वो अब हम इसमें कल्पित मान प्लस कर देंगे, ठीक है, वो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए समेशन एफ आई इंटू डी आई आया है हमारे पास 75 बटा समेशन एफ आई हमारे पास आया है 400 प्लस जो हमारा कल्पित मान हमने माइनस किया है वो आया है 57। अब हम 75 को 400 से भाग कर देते हैं, दशमलव लगाया तो ये बन गया 750, 400 एकम 400, 0, 5, 7 में से 4 निकाला 3, दशमलव है तो इसके पीछे लग गया 3500, 8 पे चला जाएगा 3200, 0, 0, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गया 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.1, इसमें 57 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 57.18। तो इस प्रकार से हमें जो सारणी दी गई थी उसके हिसाब से हमने कल्पित मान लेकर, और हमने सबसे पहले देखा हमारा डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं था तो हमने इसको कॉन्टिन्यूस बनाया, उसके बाद हमने एक कल्पित मान लिया और कल्पित मान विधि से हमने अपना जो माध्य है इस प्रश्न का वह निकाला। तो यही हमारे इस प्रश्न का